हंसा भाभी, इस बार मेरे जन्मदिन पे हम लोग विदेश जाएंगे। अच्छा अच्छा, इटली। जयश्री नंदी, मुझे इटली का मतलब पता है। वो हमारे नुसरत भाई, जब उसका बेटा अली खाना नहीं खाता था तो वो क्या कहते थे, इटली 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 इटली। अब मैं अंग्रेजी में एकदम चिंपांजी बन गई हूँ। चैंपियन, वो भी मेरे प्रफुल की तरह। दो गोला बनाना। क्यों, तू नहीं खाएगा? खाओगे ना, इसलिए तो मेरे और जिज्जा जी के दो गोले बोले। पिलाता हूँ गोले तुम दोनों को। आ बापू, हुआ क्या है प्रफुल्ल गधे? मैंने तुझे क्या कहा था? यही कि प्रफुल्ल, हम सब विदेश जा रहे हैं और हम सबके नए पासपोर्ट बनवाने, तो प्रफुल्ल तू एक काम कर, जाके सबकी पासपोर्ट साइज की फोटो छपवा के ले आना। तो क्या, तो बाबूजी तो क्या, तो मैं सबकी पासपोर्ट साइज की फोटो छपवा के लाया तो हूँ। देखी गधे, पासपोर्ट साइज की फोटो ये होती है। बस बाबूजी, आपके चश्मे के नंबर बढ़ गए, चेक करवाइए प्लीज। नहीं है, पासपोर्ट इतना सा होता है। ये है देखिए, ये है पासपोर्ट की साइज, देखिए। और इसी साइज की फोटो छपवा के लिए आया, फिर भी तलवार लेके मेरे पीछे दौड़े, देखा ना। आ बापू। अच्छा भाई चलो, मेरी गलती कि मैंने तुझे समझाया नहीं कि पासपोर्ट साइज की फोटो क्या होती है। लेकिन इतना बता गधे कि तूने हमारी फैमिली फोटो क्यों छपवाई? क्योंकि हम सब जा रहे हैं जी, हम सब जा रहे हैं, मैं, अंशा, हिमांशु, जैसी भाभी और आप। सही है, पर गधे, हम सब के अलग अलग पासपोर्ट होंगे, पांच अलग पासपोर्ट। हाँ, पांच अलग पासपोर्ट के लिए पांच अलग अलग कॉपी भी तो बनाई है जिद्दा जी ने। देखिए, पर गधे के साले, हम सबके पासपोर्ट पर अपनी अपनी अलग फोटो होगी जिसमें सिर्फ उनका चेहरा दिखाई देता हो। वो बोले थे आप, बताया था आपने मुझे, इसलिए मैंने फोटो का दूसरा सेट भी तैयार करवा के रखा है। देखी, ये देखिए, मेरा चेहरा दिख रहा है, बाकी सबके चेहरे काले, मेरे पासपोर्ट के लिए। जिज्जा जी का चेहरा दिख रहा है, बाकी सबके चेहरे काले, जिज्जा जी के पासपोर्ट के लिए। ये देखिए, आपका चेहरा, बाकी सबके चेहरे काले। मैं तो आपका चेहरा भी काला करने वाला था, पर जिज्जा जी देखा नहीं, बुजुर्ग है। आपके पासपोर्ट के लिए हो गया ना सबके? नहीं नहीं, हाथ मत जोड़िए बाबूजी, हाथ मत जोड़िए, आप बड़े, भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम कर प्रफुल्ल, मेरी बड़ी सी फोटो पर हार चढ़ा दे। पासपोर्ट के लिए? नहीं, मैं मर जाना चाहता हूँ इसी वक्त। क्यों क्यों, आपको पता है ना, जयश्री भाभी का बर्थडे आ रहा है, थोड़ा तो वेट कीजिए, उनका बर्थडे बिगाड़ना चाहते हैं स्वार्थी। सही है, आप मर जाएंगे तो विदेश जाना कैंसिल करके घर पे बैठ के मनाना पड़ेगा बेचारे का बर्थडे। मतलब बर्थडे जरूर मनाओगे? आप गुजर जाए तो हम बर्थडे ना मनाए, क्या लेना देना क्या है? लेना देना क्या है पूरी बात से? अच्छा छोड़ो सब, छोड़ो, पासपोर्ट का है ना, मैं सब देख लूंगा, तुम लोग अपने अपने वीजा के फॉर्म भरो, समझे? जयश्री का बर्थडे हम लोग रोम में मनाएंगे, रोम में। नहीं नहीं, बाहर जाएंगे, रूम में ही बैठ के मनाना है तो विदेश जाने का क्या मतलब? फिर रोम, 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 ओ नहीं, रोम शहर, यूरोप का शहर रोम। हेलो बा, जयश्री। खबर में तो हमें हमें यूरोप का वीजा नहीं मिला बा। अरे वो वीजा ऑफिसर को अचानक हार्ट अटैक आ गया प्रफुल्ल भैया से बात करते करते, इसलिए हम लोग अमेरिका का ट्राई करते हैं। जयश्री बहन, ये जयश्री क्या है? नाम तो लिख लिया हिमांशु से, हाँ, एज में 38 साल लिख दिया, पर इसमें क्या लिखूं? मंडे फ्राइडे या ट्यूसडे? मंडे फ्राइडे या ट्यूसडे? ए देखे ना, यहाँ पूछा है MFT,
मूंछों वाले हंसा, लिंग बताना है, लिंग। M for male, F for female और T for third gender। तो मेरा क्या लिखूं? ये राजू। तीनों लिख दे, तीनों लिख दे। तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा पता। अच्छा, पीछे पूछा है डिस्टिंग्विश मार्क ऑन योर फेस। चेहरे पर कोई निशान हो जिससे तू पहचाना जा सके वो लिख। एक मूछ और दो आईब्रो। पैदाइशी बर्थ मार्क, क्या घाव का निशान। और सो बॉडी बिल्डर चिक्की बनाई थी वो खा के मुझे होंठ पे घाव हुआ था देखे। तिल तिल, चेहरे पे तिल। अरे पर चिक्की मूंगफली की थी, तिल की थी नहीं, तो तिल कैसे चिपकेगा चेहरे पे? और चिपकेगा तभी मैं धो नहीं डालता मुंह मेरा घोगे। ओहो, कैसे मिलेगा हमें अमेरिका का वीजा? हेलो बा, जय श्री। खबर में तो हमें नहीं मिला वीजा अमेरिका का, सिर्फ शशिकला मासी को मिला। हाय, अब हम आस पड़ोस के किसी देश में जाएंगे। ओ जी, बधाइयां, मुबारका, वाइ डीपेस्ट कांग्रेचुलेशन जी। जय जी, आने वाले जन्मदिन की लख लख बधाइयां। ओ फिर जय जी, सुना है कि आप पड़ोस पड़ोस में कहीं विदेश जा रहे हो? हाँ। बड़े चंगे चंगे देश है आस पड़ोस में। मेरे लिए ना एक लुंगी और दंत मंजन जरूर लेके आना। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, आपको भी नहीं होता है आने का? अगर आप आना चाहो तो। ओ जी, हम सब आना चाहेंगे, क्यों परविंद्र? अरे परविंद्र रुको, सब नहीं, आप लोगों में से कोई एक ही आ सकती है, और वो कौन आ सकती है ये मैं बता। एक मिनट पर जाई जी, ये हमारा पर्सनल फैमिली मैटर है, ये हम मिलके डिसाइड करेंगे जी। आ जाओ बैठो मेरे साथ। परमिंदर, परमिंदर बैठो, परमिंदर बैठो। सारे अपनी अपनी चिट्ठियों में अपना अपना नाम लिखेंगे, कोई किसी का नाम नहीं, कोई हेराफेरी नहीं, कोई कॉपी नहीं। और जिस किसी खुश नसीब का नाम इस पर्ची में निकलेगा वो इनके साथ विदेश जाएगा। क्या आइडिया निकाल है ना जयश्री भाई। वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है हिमांशु। सब देखना ये है कि नाम किसका निकलता है। परमेदर का निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन सोच, अगर परमेंदर का नाम निकला तो? नो। चलो भाई, सारे पर्चियां बिछवाओ। अब जिस किसी के नाम की पर्ची निकलेगी वो खुश नसीब इनके साथ विदेश जाएगा। आ जाओ वीरो। तो दिल थाम के बैठो परमेंद्रो। ओ जी, ओहो, आखिरी घड़ी नहीं आई है। ओ जी, नतीजे की घड़ी आई है। तो वो नसीब वाला जो विदेश जाएगा उसका नाम, एनी गेसेस? मीनाक्षी। पी पी पी। मुझे पटियाला। ओ जी, परमिंदर। क्या बात है। तो आप परजाई जी, आप ही फैसला कीजिए कि किस परमिंदर की ये लॉटरी लगी है। बहन परमिंदर, जरा यहाँ आना। हिमांशु तू भी आ। कोई चंगा रास्ता निकालेगी। नहीं जैसी परजाई जी जरा भी हेरा फेरी नहीं करेगी, वो पार्शियलिटी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 से निकला धागा, चोर निकल कर भागा। हाय लॉर्ड, अरे बहन परविंदर आ गई, देखो। अरे रुको, शिकार है।